महाराष्ट्र में हादसों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से बेहद बुरी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली इलाके में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग इस घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से दापोली इलाका है, जहां पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 8 लोगों की मौत और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरें देखिए, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। दरअसल मामले की जानकारी मिली है कि इसमें तेज रफ्तार ट्रक ने एक सवारी मैजिक ऑटो रिक्शा को जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी, जिसके बाद मैजिक रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रक ड्राइवर फैज रईस खान को दापोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना कल दोपहर बाद की है, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोगों की देर शाम अस्पताल में, 6 लोग अब भी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने हमारे साथ, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।